दोस्तों, हमने जो है अभी इसे गजल मारकर कंप्लीट कर दिया है। बस इस तरह दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो हमने यहाँ पर दागी लगा दिया है। ये वाला जो पार्ट होगा ये लास्ट वाला पार्ट जो है काट कर फेंकने का है, और ये जो दूसरी वाला पार्ट है जो दागी है लाइन, इस वाला लाइन पे जो हम आल काटने वाले हैं। दोस्तों इसकी जो मेजरमेंट है यहाँ से 1.5 इंच का है, और वहाँ पर जो सामने पे है वाला जो हमने गजल मार के रखा है। दोस्तों तो इस वाले को जो हमने दाग तो लगा दिया है, अब दूसरे वाले को लगाते हैं। दूसरा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ इस तरह से हमने रख दिया है। इस वाले टेबल पे चढ़ाते हैं सामान सब हटाकर। दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो हमने दोनों को एक साथ रख दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो पेंसिल का दाग दिखाई दे रहा होगा आपको, ये वाला, तो इसी का मेजरमेंट है। अब दूसरे ऊपर का जो है उसको भी दाग लगाते हैं, ये देख सकते हैं कुछ यहाँ पर इस तरह से। चलिए फटाफट से इसको जो है पेंसिल से दाग लगाते हैं। दोस्तों इस पर जो है हमने दाग लगा कर दिया कंप्लीट। तो फाइनली दोस्तों हमने जो है इसको जो है दाग लगा कर कंप्लीट कर दिया है। तो फिलहाल तो बिजली भी नहीं है, बारिश भी आना शुरू हो गया है, तो अभी तो मेरे ख्याल से लगता है रेस्ट करना होगा, क्योंकि अब बिजली के बिना कुछ काम तो होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो है मुझे मशीन चलाना है। दोस्तों जैसे कि आपने हम ये देख सकते हैं कि हमने जो है इसको काट दिया है, और ये वाला जो आल का बाकी है इसको खिस मारना बाकी है। खिस मारने के बाद में जो है इसको आल का कटिंग करते हैं। ये देख सकते हैं इसको जो यहाँ पर काट कर रख दिया है, और एक जो है ये रहा ऊपर में। दोस्तों हमने जो है कटर मशीन से जो है यहाँ पर आल काटने के लिए जो है लाइन धागी मारा था, वहाँ पर हमने काट दिया है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से, ये लंबा सा है पार्लिंग, और वहाँ पर भी काट दिया है हमने, ये देख सकते हैं वहाँ पर भी काट दिया, और दूसरे को भी काट दिया, वो आगे में है। आगे बोले तो ये रहा टेबल के ऊपर में, ये है पैर साइड का, और ये जो बीच में जो खाली दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर बड़ा सा एक ड्रॉवर होगा। गाइस बारिश गिरने के बाद में बिजली चली गई थी, तो अभी फिर आ गई है बिजली, और अभी फ़िलहाल तो ये देख सकते हैं लाइट बल्ब जो है जला कर रख दिया है,
और अभी फिर बारिश गिर रहा है थोड़ा थोड़ा, और बादल भी गरज रहा है। तो यहाँ पर जो हमने कुछ इस तरह से इन सबको जो है काटने पीटने का काम किया है, ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने काट दिया है, ये रहा मोबाइल स्टैंड। तो चलिए इसको जो अभी पहले ड्रिल मशीन से होल करते हैं, उसके बाद में रोटर से होल करते हैं। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो हमने रोटर से जो होल कर दिया है। तो चलिए इसी तरह से जो है सभी को होल करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे हैं जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन, तो इसका बीच में जो है नाला सा बनाना है। ये वाला तो नहीं है, घर गलत हो गया। तो चलिए इसको जो है अभी बिट मारते हैं, उसके बाद में रोटर से काटते हैं। ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पर जो लाइन है। और दोस्तों देख सकते हैं आप कुछ इस तरह से जो हमने यहाँ पर नाला बना दिया है, और ये देख सकते हैं इस तरह से तिरछा गया है, थोड़ा डाउन सा इस तरफ जाएगा और उस तरफ सीधा होगा। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कुछ इस तरह से हमने नाला जो है बना दिया है, और ये जो देख पा रहे हैं पेंसिल का दाग, वहाँ पर अब उस तरह से जाएगा तिरछा।
दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो हमने रोटर मशीन से नाला बना दिया है। तो दोस्तों हमने जो है नाला बनाकर कंप्लीट कर दिया है, अब मशीन का काम लगभग ख़त्म हो चुका है, तो अब हाथ से ही करते हैं। दोस्तों हमने जो है आज इस पर मशीन चला देने के बाद में जो है ये देख सकते हैं कुछ हाथ से बटली से जो है इस पर राउंड कर दिया है, और